जबलपुर में एक बड़ी ही हृदय विदारक घटना देखने को मिली, जहां शराब पीकर कार चला रही युवतियों ने काम से लौट रहे एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से कृष्णा नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक को टक्कर मारने के बाद कार रोड डिवाइडर में जा घुसी। स्थानीय लोगों ने कार में बैठी एक युवती को पकड़ लिया, जबकि कार चला रही दूसरी युवती फरार हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत कराया। पुलिस आरोपी महिला कार चालक रतनदीप मैनी की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला कार चालक हाई प्रोफाइल परिवार की है। लोगों के अनुसार दोनों महिलाएं देर रात पब से लौट रही थी। घटना की जानकारी लगते ही मृतक के परिवार में मातम छा गया। सिटी इन भारत से शोभित गारू की रिपोर्ट, जबलपुर। कृष्णा था मेरे से। क्या हादसा हुआ आपके? हम लोग सर काम से काफी टाइम से पहले छूट के हम लोग दोनों हम घूमते हुए आ रहे थे। हम लोग तो बस घर पहुंच ही रहे थे। हम लोग तो वहां पर ऐसा हुआ कांड कि वो एकदम बिलहरी में। अच्छा, कितनी महिलाएं थी? दो लेडीज थी। अच्छा, नशे में थी? हाँ, पी हुई थी वो दोनों। अच्छा, क्या करी उन्होंने? गाड़ी को काफी स्पीड में लेके गई है और अरे पीछे हम लोग किनारे चले थे, अपने पीछे से मारी है। पैदल हाँ, पैदल थे हम लोग, वो गाड़ी में थे। क्या हुई है? क्या मामला? हाँ, ये बिलहरी के पास में एक घटना हुई है। उसमें दो महिलाएं बता रहे हैं कि गाड़ी ड्राइव कर रही थी, एक महिला उसमें से गाड़ी ड्राइव कर रही थी। तो इनके द्वारा पहले डिवाइडर उस पर गाड़ी चढ़ी और उसके बाद एक व्यक्ति पर चढ़ गई है। तो अभी पता चला है कि उसको नेशनल हॉस्पिटल में लाए थे तो उसकी डेथ हो गई है और आगे की कार्रवाई हम सुनिश्चित कर रहे हैं। महिला को कब्जे में ले लिया गाड़ी।